रुक करते हैं अपनी पहली खबर का। सबसे पहले बात करते हैं काशी यानी वाराणसी की, जो शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन गई है। मेहमानों की आगवानी को लेकर यहां तरह तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें नौका रेस की हैं। 20 जनवरी तक चलने वाले इस नौका रेस में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बोट रेस के आगाज पर नाविकों ने करीब 3.5 किलोमीटर के गंगा जलमार्ग पर एक दूसरे के नाव को पछाड़ने की कोशिश की। ये बोट रेस 4 दिनों तक चलेगी। इसके आखिरी दिन 20 जनवरी को फाइनल मुकाबला होगा और रेस में सबसे ज्यादा पॉइंट पाने वाली टीम को पर्यटन विभाग की तरफ से कैश इनाम दिया जाएगा। इस बोट रेस में शामिल होने के लिए नाविक बेहद उत्साहित नजर आए। इस रेस को देखकर लोग भी रोमांचित हुए। अब ये सारे 12 टीम के कप्तान नाव को आपको दिए गए लेन नंबर पर ले जाकर खड़ा करें। बोट रेस के अलावा वाराणसी में हॉट एयर बलून फेस्टिवल का भी आगाज हो चुका है। ये फेस्टिवल गुरुवार तक चलेगा। आज सुबह जैसे ही आकाश में सूरज की किरणें फूटी, वैसे ही लगभग 10 हॉट एयर बलून ने शहर के आकाश में उड़ान भरी। और गुब्बारों में सवार लोगों ने कभी न खत्म होने वाले रोमांचकारी अनुष्ठान और श्रद्धालुओं को गंगा में डुबकी लगाते देखा। ये गुब्बारे हवा की दिशा में आगे बढ़ते हुए लगभग 500 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे। इसने कभी काशी की सड़कों और गलियों को दिखाया तो कभी गंगा के घाटों के दर्शन करवाए। दिखा रहे हैं हम आपको ये रोमांचकारी अनुभव, जिसमें हॉट एयर बलून में सवारी करते हुए काशी के दर्शन किए गए। ये फेस्टिवल गुरुवार से चलने वाला है। 3 दिन के इस फेस्टिवल में बेहद ही रोमांचक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसमें हॉट एयर बलून रेस शामिल होती है और साथ ही साथ लोग काशी का नजारा ले पाते हैं। गुरुवार तक ये फेस्टिवल चलने वाला है और इस फेस्टिवल के चलते बहुत से पर्यटक यहां का रुख कर रहे हैं। देश विदेश से लोग यहां पर आ रहे हैं। चीन न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है बल्कि शंघाई सहयोग संगठन की भी राजधानी बनी हुई है। इसी वजह से इस बार 3 दिनों का हॉट एयर बलून शो और मोटर बोट रेस शो शुरू हो चुका है और इस समय काशी को देखने का एक विहंगम नजारा हम आपको दिखा सकते हैं। लगभग 230 फीट की ऊंचाई पर हम इस समय काशी के ऊपर हैं और देख सकते हैं ये नजारा अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। ठीक हम गंगा नदी के ऊपर इस हॉट एयर बलून में सवार हैं और हमारे साथ यहाँ तमाम मीडिया कर्मी हैं, तमाम यहाँ पे मेहमान हैं जो इस जो अनुभव का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत ही मनोरम नजारा देखा जा सकता है। एक तरफ गंगा घाट है, दूसरी तरफ शहर है और ये नदी का किनारा है और ये दशाश्वमेध घाट है जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध घाट है। यहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध होती है लेकिन गंगा आरती के अलावा इस तरह का नज़ारा बहुत ही कम देखने को मिलता है और यहाँ से एक पूरी की पूरी जो काशी की बसावट है, काशी के रिहायशी इलाका है, वो देखा जा सकता है और यह सब संभव हो सका है तो पर्यटन विभाग की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में इन दिनों मकर संक्रांति मेला लगा है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने और मेले घूमने के लिए आ रहे हैं। इस मेले में बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं जबकि बड़ों के लिए अलग अलग चीजों की दुकानें सजकर तैयार हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिल रही है। मेले में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं लेकिन यहाँ दुकानें लगाने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, यानी एकता की मिसाल इस मेले की पहचान बनी हुई है। आपको बता दें कि ये जो मेला है गोरखपुर का, इसको खिचड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान यहाँ पर मेले में अलग अलग किस्म के भोग लगाए जाते हैं। ये मेला 1 महीने तक चलता है। मकर संक्रांति के अवसर पर इसकी शुरुआत हो जाती है और इस समय गोरखपुर इस मेले में शरीक होने आए लोगों से चहक रहा है। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, गोरखनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, बाबा को अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद इस मेले का आनंद उठाते हैं। यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए कुछ ना कुछ है। जहाँ तक बड़ों का सवाल है तो वो यहाँ पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अलग अलग जो प्रदेश हैं वहाँ से भी दुकानदारों ने यहाँ पर अपनी दुकानें लगाई हैं और अपनी जो कलाएँ हैं इलाके की प्रसिद्ध, उनसे जुड़ी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं।
परिजन जो भी हों, 35 साल से मेरी दुकान आ रही है यहाँ पर। कितने लोग आते हैं आप लोग के साथ? करीब हम लोग 18 लोग आते हैं, 17 लोग। क्या क्या बेचते हैं आप लोग? ये पीतल का है धातु, ये आइटम 100 पीस है, इस्तेमालू आइटम है, प्लस उधर डिनर सेट है, क्रॉकरी का है, प्लास्टिक का है, हार्ड मतलब जो है सब रसोई आइटम है, ये दहेज का है, लेडीज आइटम है, इधर स्टील का आइटम है। ये गोरखनाथ में खिचड़ी पर्व पे मेला लगता है जो हर वर्ष लगता है, और भारत स्टेट के हर कोने से यहाँ दुकानें आती हैं और हर तरीके की दुकानें आती हैं। लकड़ी की सुंदर दुकानें आती हैं, लकड़ी की खूबसूरत कारीगरी होती है, और कालीन कारपेट बहुत तरह की दुकानें आती हैं, और बहुत खूबसूरत मेला होता है। हर मजहब हर धर्म के लोग इस मेले में अपनी दुकान भी लगाते हैं, खरीदारी भी करने आते हैं, कोई रोक रुकावट नहीं होता। योगी जी का जो ये मंदिर का त्यौहार है हमारे गोरखनाथ मंदिर में, योगी जी का सबके लिए सहयोग होता है। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां उज्जैन में संस्कृति से रंगों से सजी एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजों के साथ झांकियां भी दिखी। इस यात्रा में महिलाएं अपने सिर पर कलश रखे नजर आए। और उज्जैन में 108 अखंड रामायण पाठ का आयोजन हो रहा है। इसी सिलसिले में महाकाल की नगरी में ये शोभा यात्रा निकाली गई, इसे आज्ञा यात्रा नाम भी दिया गया है। इस यात्रा के जरिए भगवान महाकाल से उनके भक्त 108 अखंड रामायण पाठ की आज्ञा मांगने निकले हैं। आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की तस्वीरें, जहां पर महाकाल की नगरी है और यहां पर ये शोभा यात्रा निकाली गई है। मकसद ये है कि भक्त इस यात्रा के जरिए भगवान महाकाल से उनके 108 अखंड रामायण पाठ की आज्ञा मांगने के लिए निकलते हैं, और जब ये यात्रा खत्म होगी तो इसके बाद पाठ किया जाएगा रामायण का, और उसमें ये सभी यात्री एक बार फिर से शिरकत करेंगे। हमने जो 108 अखंड रामायण के पाठ का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा महाकालेश्वर महाराज उज्जैन की पावन धरा पे विराजी थे, बाबा महाकाल से आज्ञा लेकर ही इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। उसी क्रम में कल हमने शीतला मैया का भी पूजन करके उनसे आशीर्वाद और अनुमति ली थी। आज बाबा महाकाल से आज्ञा और अनुमति लेके जो 108 अखंड रामायण का एक बड़ा संकल्प हम लोगों ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो आस्था के धाम में बर्फ की कहानी बयां कर रही हैं। हम आपको उत्तराखंड के वो दो तीर्थ दिखा रहे हैं जो आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ बर्फ ही बर्फ है। बद्रीनाथ धाम इस वक्त सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो ये दोनों ही तीर्थ श्रद्धालुओं से पटे रहते हैं, लेकिन ये सर्दी का मौसम है और इस दौरान यहाँ पर दोनों ही धामों के कपाट बंद रहते हैं, और इस वक्त यहाँ बर्फ के सिवाय कुछ नहीं है। कुछ यही हाल केदारधाम का है, जहाँ इस वक्त 3 फीट मोटी बर्फ की चादर नजर आ रही है। तो बर्फ के बीच कैसी है बद्री विशाल की तस्वीरें, इन दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। एक तरफ केदारनाथ धाम और दूसरी तरफ बद्री विशाल की तस्वीर है। आपको बताएं कि बद्री विशाल की डोली सर्दी से पहले जोशीमठ में स्थापित हो जाती है, वहीं पर उनकी पूजा अर्चना होती है। मई महीने में फिर से कपाट खुलेंगे, तब एक ये इलाका फिर से श्रद्धालुओं से भर जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर बर्फबारी ने इस इलाके को बेहद खूबसूरत बना दिया है, चाहे वो बद्री विशाल हो या फिर केदारनाथ धाम। और यहाँ पर सुरक्षा में आईटीबीपी के जवान बद्री विशाल में मुस्तैद हैं, और जो वन्य जीव हैं खासकर इस मौसम में जो यहाँ पर रहते हैं, वो इस समय पूरी स्वच्छता के साथ इस इलाके में भ्रमण करते हुए देखे जा सकते हैं। और बर्फ इतनी पड़ी है कि पूरा इलाका सफेद चादर से ढका हुआ है, तापमान माइनस में है, लिहाजा जो कुंड का पानी है वो भी जम चुका है। रुख करते हैं कश्मीर का, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में भी भीषण बर्फबारी हो रही है। बात करें कुपवाड़ा की तो यहां चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, बर्फ की वजह से सड़क दिखनी बंद हो चुकी है। इस बीच बीआरओ के जवान वहां लोगों की मदद के लिए पहुंचे हैं। ये जवान वहां सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं, ताकि सड़कों को जल्द से जल्द खोला जा सके। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए बर्फ हटाने वाली गाड़ियों की मदद भी ली जा रही है। ये गाड़ियां खास बर्फ हटाने के लिए ही बनाई गई हैं, जो सड़क पर गिरी बर्फ को तेजी से काटते हुए किनारे फेंक देती हैं। ऐसी ही तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, जब सैलानियों का रास्ता साफ करने के लिए स्थानीय लोग इस बर्फ को हटाते नजर आए थे। कारण ये है कि लोग चाहते हैं कि इस मौसम में जो है पर्यटक आए और कारोबार जो है वो गुलजार हो, और अब बीआरओ भी इस कार्यक्रम में जुड़ गया है।
बर्फ हटाने का काम लगातार चल रहा है। सड़क से मशीन से बर्फ हटाई जा रही है और जल्द ही रास्ते साफ होंगे और लोगों के लिए आवाजाही फिर से आसान हो जाएगी। सर्दी के इस मौसम में पंजाब के मानसा की धरती भी बर्फीली हो गई। खेतों में मौजूद फसलों पर बर्फ की परतें नजर आ रही हैं। कोहरे के चलते मानसा में तापमान गिर गया है और उसका असर यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है। तीन दिन से पड़ रहे कोहरे से आलू, शिमला मिर्च, चना, सरसों जैसी फसलों के साथ फलों के पौधों को भी नुकसान हुआ है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन राहत की बात यह है कि गेहूं की फसल पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपको बताएं, केवल पंजाब का मानसा ही नहीं, राजस्थान के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गई हैं। फतेहपुर शेखावटी हो या चुरू हो, वहां पर भी तापमान माइनस में चल रहा है। माउंट आबू में भी काफी तापमान गिरा हुआ है। ऐसे ही पंजाब के अलग अलग हिस्सों में बर्फ का ये जो तस्वीरें हैं बता रही हैं कि कैसे वहां पर भी ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। तापमान यहां भी काफी कम चल रहा है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अब बात स्मार्ट शेल्टर होम की। सर्दियों में बेसहारा और जरूरतमंदों का यही सबसे बड़ा सहारा है। ऐसे में कानपुर में स्मार्ट शेल्टर होम की शुरुआत हुई है। स्मार्ट शेल्टर होम में 24 लोगों के ठहरने का इंतजाम है, जिसमें सभी के लिए बेड लगे हुए हैं। साथ ही साफ सुथरे कंबल और रजाई की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। यहां रहने वाले लोगों के लिए मोबाइल चार्ज करने की सुविधा भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्ट शेल्टर होम को जरूरत के हिसाब से कहीं भी शिफ्ट किया जा सकेगा। इसकी देखभाल का जिम्मा कानपुर नगर निगम को सौंपा गया। आने वाले दिनों में ऐसे कई और स्मार्ट शेल्टर होम्स बनाए जाने की योजना है। इससे पहले ये स्मार्ट शेल्टर होम दिल्ली में भी बनाए जाने की योजना थी। कुछ स्मार्ट शेल्टर होम्स बनाए भी गए थे और अब एक और नई पहल जो कानपुर में लोगों के सामने आई। इसमें देखेंगे तो 24 लोगों को एक रुकने के बेहतर एक व्यवस्था किया गया है। अच्छे बेड्स है, बेडिंग है, ब्लैंकेट्स है, पिल्लो है, उसके साथ चार्जिंग पॉइंट भी बनाया गया है। वेंटिलेशन का अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है और सबसे अच्छी बात है कि इसको मोबाइल यूनिट है, ये यहाँ से इसको उठा के कहीं पे भी जहाँ जरूरत है आप उसको ले जा सकते हैं। एक अच्छा एक इनिशिएटिव है JCI का कानपुर स्मार्ट सिटी के साथ। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसकी संख्या और बढ़ेगा। और अब दिल्ली के आश्रय शेल्टर होम की। एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों के तीमारदारों की सुविधा के लिए बनाए गए इस शेल्टर होम का CRPF के DG SS थाउसन ने उद्घाटन किया। इस शेल्टर होम को CRPF ने एम्स प्रशासन के साथ मिलकर बनाया है। एम्स में मरीजों की देखभाल करने के लिए आए लोगों को सर्दी के इस मौसम में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इसको देखते हुए ये आश्रय शेल्टर होम बनाया गया है। मरीजों के तीमारदारों के रहने के लिए यहां सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। आपको बता दें कि एम्स में देश भर के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। अच्छे इलाज की आस में वो यहां पर आते हैं, लेकिन काफी भीड़ यहां पर मरीजों की रहती है। ऐसे में जिन लोगों को वेटिंग लिस्ट में नंबर मिलता है तो उन्हें उनके जो तीमारदार होते हैं खासकर उनके ठहरने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस शेल्टर होम का उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत हेलमेट पहनकर स्कूटर और बाइक चलाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। पुलिस वालों ने नियमों का पालन करने वाले लोगों को गुलाब के फूल दिए। वहीं बिहार के सहरसा में भी कुछ इसी तरह की पहल देखने को मिली। यहां पुलिस वालों ने बिना हेलमेट पकड़े गए लोगों के चालान नहीं काटे, बल्कि चालान के पैसों से लोगों को हेलमेट खरीदने को कहा। बाद में पुलिस वालों ने ये हेलमेट उन्हीं को पहना दिए। इसमें विशेष बात यह है कि हम लोग केसेस में फाइन वगैरह तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, साथ में यहाँ के सदर थाना के प्रभारी हमारे साथ हैं। इनके पहल पर कई मामलों में इन्होंने ऐसा किया है कि वो कोई युवक है जो या स्टूडेंट टाइप से है या वृद्ध है, उनको विशेष ध्यान रखते हुए उनके पैसे से हेलमेट खरीद करके उन्हें पहनाया जा रहा है और उनके अंतर्गत संवेदनशीलता लाने का प्रयास किया जा रहा है।
और अब बात करेंगे राजस्थान के जयपुर की। यहां उन लड़कियों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है जिनको किसी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा भाग्यश्री ने उठाया है ताकि ये लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकें। जी हां, उनके यहां सालों पहले स्कूल छोड़ देने की वजह से लड़कियों को फिर से अब शिक्षा दी जा रही है, वो भी मुफ्त में। अपनी इस कोशिश से अब तक 2000 से ज्यादा बेटियों का भविष्य भाग्यश्री संवार चुकी हैं, जिनमें जयपुर के अलावा अजमेर और उदयपुर समेत कई दूसरे जिलों से आई लड़कियां भी शामिल हैं। मुहिम खास करके चलाई गई है उन बच्चियों के लिए जो स्कूल छोड़ चुकी थी और अब उन्हें एक बार फिर से शिक्षा का मौका दिया जा रहा है। राजस्थान की एक बेटी हजारों ड्रॉपआउट बेटियों का भविष्य संवार रही है और ये भाग्य बदलने वाली बेटी का नाम भाग्यश्री सैनी है। आज हम ड्रॉपआउट बेटियों की जहाँ क्लास चल रही है वहाँ पर हम मौजूद हैं और आप क्लास का नजारा देख सकते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर ड्रॉपआउट बेटियाँ हैं, वो अपने भविष्य यहाँ के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए यहाँ पर क्लासेज अटेंड कर रही हैं और इनकी क्लास ले यहाँ पर भाग्यश्री सैनी खुद ले रही है और खुद भाग्यश्री सैनी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं किस तरह का इन्होंने एक अलग जगह ही है इसको लेकर। राजस्थान अनसंग स्टार्स, किस तरह का अभियान आपने चला रखा है और क्या थॉट आया था मन में फर्स्ट टाइम उसके बाद आपने ड्रॉप आउट बेटियों को अपनाया है? मैं 2 साल पहले जब मेरा स्टैनफोर्ड का असाइनमेंट था तो पहली बार इन बेटियों से मिली थी एक इंटरव्यू के सिलसिले में। तो तब जो हमारा पहला बैच था वो था, अभी तो ये हमारा तीसरा बैच है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मुझे इन ड्रॉपआउट्स बेटियों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो इनकी घर की परिस्थितियाँ थी वो बहुत ज़्यादा विपरीत थी। जो अमूमन बेटियाँ हैं जयपुर की, वो चूड़ा बनाती हैं, कुछ सिलाई करती हैं। तो पहली बार मुझे तब लगा था कि नहीं, हम लोग सभी लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को बहुत मान्यता देते हैं, उनको हीरो के तौर पे देखते हैं, तो ये बेटियां भी किसी हीरो से कम नहीं है। तो वहीं से अनसंग स्टार्स का कॉन्सेप्ट आया था। अनसंग मतलब वो सितारे जो अभी तक छुपे हुए हैं और उन्हें हमें बाहर निकाल के लाना है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सतना की, जहां एक ऐसा म्यूजियम है जहां खेती में इस्तेमाल होने वाली प्राचीन चीजों को संजोकर रखा गया है। ये संग्रहालय पद्मश्री बाबूलाल ने अपने घर में बनाया है। उनके इस म्यूजियम में 200 से ज्यादा कृषि यंत्र मौजूद हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाले औजारों का ये संग्रहालय कई मायनों में खास है, अनूठा है, क्योंकि इन्हें देख ये भी पता चलता है कि खेती में इस्तेमाल होने वाले ये पुराने औजार जंगली जानवरों के हमले के दौरान आत्मरक्षा में भी काम आते थे। उन्हें परंपरागत भारतीय उपकरणों को संजोने की प्रेरणा राजस्थान और ग्वालियर के किलों में बने म्यूजियम से मिली, जहां राजा महाराजाओं के अस्त्र शस्त्र को संजोकर रखा गया है। तो हमारे खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही।